सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। तो आज का वीडियो मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में होगा, क्योंकि आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि इसके एडमिशन प्रोसीजर क्या है और यहाँ का कैंपस कैसा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में CSKHP के भी बोलते हैं, अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगी, फर्स्ट इज़ कैंपस टूर एंड सेकेंड इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले कैंपस टूर के बारे में कुछ जानते हैं। जब भी आप पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आते हो, तो सबसे पहले आप इस बात से कंफ्यूज होते हो कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हमारी एडमिशन प्रोसेसेस कहाँ होंगे, काउंसलिंग प्रोसीजर कहाँ होंगे और फीस सबमिट कहाँ होंगी और बाकी के बचे सारे प्रोसेसेस कहाँ होंगे। जब मैं भी पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आया, तो मैं भी इसी बात से कंफ्यूज हुआ कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और मैं इतनी यूनिवर्सिटी में, मतलब कहाँ होंगे मेरे सारे प्रोसेसेस कहाँ होंगे, क्योंकि आपको बताने वाला तब कोई भी नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम कैंपस टूर में कवर करेंगे। और आप में से कुछ ऑडियंस ये भी जानना चाहती होंगी, कुछ क्या, मेजॉरिटी ऑडियंस ये जानना चाहती होंगी कि इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन प्रोसेसेस क्या है, यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, यहाँ की इंटर्नशिप्स कैसी हैं, यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं और बाकी जो भी, मतलब जो भी एक नया स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो उसके मन में ये होता है कि यार मैं इस यूनिवर्सिटी में आ तो गया हूँ, बट मैं पढ़ पाऊँगा, मतलब मेरे को अच्छी प्लेसमेंट्स मिल पाएंगी कि नहीं, ये सब हम ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी में कवर करेंगे। लास्ट में आपको इस कॉलेज की सच्चाई के बारे में बताऊँगा, मतलब एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि आपको इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और मेरे बाकी कॉलेज ब्लॉग्स भी हैं, वो भी आप आई बटन में देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप सारे, मतलब मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो कॉलेज के। कुछ खास नहीं है, मतलब मैं अभी ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ, मतलब इम्प्रूवमेंट स्टेज में हूँ, बट अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक है, जाके ज़रूर देखें। और मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो है सब्सक्राइब, तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए इस ब्लॉग या फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कैंपस टूर से। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पहुंचोगे, तो सबसे पहले आपको ये पठानकोट मनाली का नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा और इसी के सामने आपको यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटी का मेन गेट भी है। गेट 1 के साथ आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, जहां कि आप स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हो और खाने पीने का सामान भी मिल जाता है, जैसे कि आपको चाउमिन मोमो कुछ भी खाने हो, स्नैक्स वगैरह खाने हो तो। और इसी के साथ आपको ATM भी मिल जाता है। तो जैसे ही अब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करोगे, तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल हॉस्टल देखने को मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। और कुछ देर चलने के बाद आपको ये एक चौराहा मिलेगा, जिसे कि यहाँ के स्टूडेंट्स यानी हम गौरी चौक बोलते हैं। और इस चौक के बीचों बीच आपको कुछ साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे, जिस पर लिखा होगा कि कौन सा कॉलेज कितनी दूर है और कौन सी चीज़ कितनी दूर है। और इसी चौक के साथ आपको बॉयज़ हॉस्टल मिल जाएगा, जहाँ की सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ही रहते हैं। तो इस गौरी चौक को क्रॉस करने के बाद आपको एक और चौक मिलता है और इसके लेफ्ट साइड थोड़ी सी आगे जाके आपको गर्ल्स हॉस्टल को रास्ता मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर की गर्ल्स रहती हैं। इस हॉस्टल से थोड़ी आगे जाने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक मिलेगा, जहाँ की यूनिवर्सिटी का सारा धंधा चलता है, मेरा मतलब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे काम इधर ही होते हैं। इस ब्लॉक के बाद आपको पढ़ी बच्चों की पसंदीदा जगह मिल जाएगी, जो कि है ये लाइब्रेरी, जहाँ की आप सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फुल पावर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। लाइब्रेरी के साथ ही आपको लवर्स का फेवरेट प्लेस मिल जाएगा, सारे स्पोर्ट्स लवर इस ग्राउंड में शाम को आकर खेल सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट और आप रनिंग भी कर सकते हैं। अब आप ग्राउंड से जैसे ही नीचे उतरोगे, आपको ये ऑडिटोरियम मिलेगा और हाँ, यही वो जगह है जहां आपकी मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसे कि आम भाषा में लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कहते हैं, वो यहीं पे होगी। और बाकी के बच्चे राउंड ऑफ काउंसलिंग कहाँ होगी, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। रुको जरा,
सबर करो। तो जैसे ही आप ऑडिटोरियम क्रॉस करोगे, आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का लॉन दिखेगा, जो कि काफी सुंदर है और यहाँ ग्रीनरी भी काफी अच्छी है। एंड ये वो जगह है जहाँ आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की काउंसलिंग होगी और क्लासेस भी यहीं लगेंगी। यहाँ से थोड़ी नीचे आने के बाद आपको एक कैफेटेरिया मिल जाएगा जहाँ कि आप दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा बर्गर खा सकते हैं, और अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप अकेले भी खा सकते हैं। इस कैफेटेरिया के साथ आपको ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, और यही वो जगह है जहाँ आपको हॉस्टल्स अलॉट होंगे और एडमिशन के टाइम आपको यहीं आना पड़ेगा। आपको इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर गेम्स और जिम की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जहां आप हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद आपको ये पीजी हॉस्टल मिलेगा जहां कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही रहते हैं, और ये है आपका पीकन स्क्वायर, मोस्ट पॉपुलर प्लेस फॉर मतलब डैश 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 समझ जाना, और इसी के साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। थोड़ी देर चढ़ने के बाद आपको ये कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस मिलेगा जहाँ की बीटेक फूड, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, एचएचए की क्लासेस लगती हैं, और ये वो जगह है जहाँ इन सब कोर्सेज की काउंसलिंग होगी। कॉलेज के बाद आपको कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस मिलेगा जहाँ की बीएससी फिजिकल साइंस और बीएससी लाइफ साइंस की क्लासेस लगेंगी, और काउंसलिंग भी यही होती है। एंड लास्ट में आपको ये गेट नंबर 5 मिलेगा जो कि यूनिवर्सिटी का लास्ट गेट है। यहाँ भी आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ कि आप खाने पीने का सामान और स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हैं। तो ये था कैंपस टूर, जिसको बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है। जब आप यूनिवर्सिटी आओगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि गेट 1 से गेट 5 तक कितना लंबा सफ़र है, और इस सफ़र को पूरा करने में बड़ा चलना पड़ता है। तो बड़ी मेहनत लगी मेरी कैंपस टूर बनाने में। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको CUCET एग्ज़ाम, जो कि यूनिवर्सिटी अपना खुद कंडक्ट करवाती है, इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म मई जून में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो अब आते हैं प्लेसमेंट्स पे। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इस कॉलेज में काफ़ी प्लेसमेंट्स हैं। अगर आपकी CGPA वेल मेंटेन है, मतलब 9 से अबव है, तो आप किसी अच्छी कंपनी में वेल प्लेस्ड हो सकते हैं। और अगर बात करें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस और बेसिक साइंस की, तो इसके लिए जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी कम हैं, मतलब ना के बराबर ही हैं, बड़ी कम प्लेसमेंट्स यहाँ पर आती हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर आपकी CGPA अच्छी है तो आप अच्छी जगह पर प्लेस हो सकते हो। अब आते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ और इंटर्नशिप पर। तो हॉस्टल फैसिलिटी इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी है। अगर आप हॉस्टल लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, जो कि एक मेन पार्ट होता है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट का, तो आप यहाँ हॉस्टल ले सकते हो, और काफ़ी अच्छे हॉस्टल हैं। बाकी आपको यूनिवर्सिटी में आके पता लग ही जाएगा कि हॉस्टल कैसे हैं कैसे नहीं, बट मेरे हिसाब से कॉलेज लाइफ में हॉस्टल लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो ज़रूर हॉस्टल ज़रूर लें। और इंटर्नशिप्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी, बीटेक फूड की भी और बीएससी एग्रीकल्चर की भी, और बेसिक साइंस की तो कोई इंटर्नशिप नहीं होती है। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की आपको काफ़ी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो बाकी चीज़ें बच जाएंगी, मैं आपको जैसे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किस कोर्स की कितनी फ़ीस जाती है और कितना
आपको पे करना है जब आप एडमिशन के टाइम आओगे। सो फाइनली अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि ये यूनिवर्सिटी है कैसी, इस यूनिवर्सिटी का मुद्दा क्या है, सीन क्या है, तो ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बैठिए ढंग से और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये यूनिवर्सिटी है कैसी असल में। अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हो और अपना फ्यूचर एग्रीकल्चर की तरफ बनाना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इसमें बहुत कुछ आपको जैसे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, काफ़ी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, ये सारी आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगी। और सारे आपको एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे, आपको फील्ड के बारे में बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हो। और अगर आप सिर्फ एक डिग्री ही लेना चाहते हैं और उसके साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाए, जैसे कि IAS की तैयारी कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको बेसिक साइंस और कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस एक बेटर ऑप्शन रहेगा, जहाँ पर आप खूब अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि इंडियन कॉलेजेस की सच्चाई कैसी है, NIT, IIT और कुछ बड़े कॉलेजेस को छोड़ के। और बाकी आप इंटरनेट से जुड़े ही हुए हो और आपको पता ही होगा कि आजकल कॉलेजेस में क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसी हो रखी है। तो बाकी आप खुद समझदार हो और इस यूनिवर्सिटी में आने का डिसीज़न आपका होगा, तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या नहीं। और बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बाकी मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।